भैया अगर आज मेरा 20 लाख का बजट होगा तो इधर मैं स्कॉर्पियो की तरफ जाऊंगा क्योंकि वो इससे ज्यादा बड़ी एसयूवी है। मैक्सिमम आपको 10 टू 11 की मिलेगी, हैवी ट्रैफिक में 5 टू 6 की मैंने देखी है ड्राइव करते हुए। तो फिर आप माइलेज आपके मेरे जो आपकी वाली सर्विस कॉस्ट आया था दैट वाज अराउंड 4000 रुपीस, जिसमें मेरी नॉर्मल बेसिक सर्विस थी जिसमें सारे ऑयल वगैरह चेंज हुए थे। 20000 की सर्विस थी? नहीं भैया, आज जो वर्टर्स आई है सिर्फ वो इसको बीट कर पाती है। अगर आप असल ट्रेन में से नहीं आती, मेरी जो आवाज आती है वो होती है आपकी डोर पैनल से हल्की हल्की। अच्छा हां, तो ये आपका एक नेगेटिव हो गया, पर अगर हम पॉजिटिव देखते हैं तो साइड में फीचर बहुत है। फीचर इसको बहुत कोई मतलब आज की जो गाड़ी आ रही है उससे ज्यादा फीचर देंगे, जैसे तो हेलो भाई, मैं श्याम अरोड़ा। आज की वीडियो में हमारे पास एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ी है, पर इसकी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड में इन्होंने एक चीज और एडिशन करा दी है, वो है इस गाड़ी को ट्यून करा दिया है। अब इसके ओनर से जानेंगे ट्यून कराने के बाद क्या माइलेज रहती है, उसके बाद एंड पूरी गाड़ी का रिव्यू लेंगे कि किया सेल्टोस को क्यों चुना। सेल्टोस एक बहुत अच्छा ऑप्शन था मार्केट में जिस टाइम इन्होंने किया सेल्टोस लिए, एंड 7 DCT वाले बैच को क्यों चुना है कि जबकि डीजल मोटर भी ले सकते क्योंकि उसमें भी पावर है, पर माइलेज वाइज एंड मेंटेनेंस वाइज कंपेयर करेंगे तो बहुत ज्यादा हायर पड़ती है। तो अब सबसे पहले इस गाड़ी के ओनर से मिलते हैं। हेलो भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई। तो आपका भी कोई YouTube चैनल है तो बता दो ऑडियंस को। मेरा भी YouTube चैनल है, अभी रिसेंटली स्टार्ट करा है, अतिशय जैन के नाम से। तो अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद है तो आपको टाइटल में मिल जाएगा इनके चैनल का लिंक, जरूर जाके एक बार विजिट जरूर करनी है आपको। तो अब जैसे जब आप कार बैंक डिसीजन बना रहे थे तो फिर आपके कंसिडरेशन, आपका बजट क्या था और कंसिडरेशन में कौन कौन सी कार्स थी? बजट मेरा ये था अराउंड 20 करीबन, बट उस टाइम पे ना इतने सारे ऑप्शन नहीं थे जैसे आज के टाइम। आज के टाइम में 6 ऑप्शन आ चुके हैं इन कार्स के, तो उस टाइम दो ही थे मेजर दो ही थे, या तो क्रेटा या फिर आपकी सेल्टोस। 7 आ गया, टू बी प्रिसाइज एस्टर भी एक ऑप्शन है। एस्टर ना तब नहीं थी, तब नहीं थी, मतलब आज की डेट में मैंने 6 कह दिया, 7 टू बी प्रिसाइज ऑप्शन आ चुके हैं। एस्टर भी है, पर तब एक्सयूवी 7W के टीजर्स तो आई गए थे, आप उसके लिए वेट कर सकते थे। भैया उसकी वेटिंग इतनी ज्यादा होने वाली थी कि पता चल गया था कि जल्दी तो नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सेल्टोस और क्रेटा की इतनी वेटिंग थी और उसका इतना हाइप बन चुका था ऑलरेडी कि वेटिंग इतनी थी कि साल साल भर बाद गाड़ी मिली थी उन्हें। तो उस टाइम पे सेल्टोस मिल गई थी और घर की सिर्फ एक प्रेफरेंस थी कि लेनी एसयूवी है, सेडान नहीं लेनी बिल्कुल भी। तो इस वजह से फिर सेल्टोस की तरफ मैं प्रेफर हुआ था क्योंकि मेरे को उसकी लुक्स अच्छी लगी थी। तो अब सेल्टोस में एक वेरिएंट और हमें देखने को मिलता है जी, डीजल वेरिएंट, जो टर्बो पेट्रोल और डीजल में ज्यादा फर्क नहीं है, हमें निग्लेक्चेबल फर्क देखने को मिलता है 30-40 हजार का मैक्सिमम। तो फिर आपने उसकी तरफ रिकमेंड नहीं करा क्योंकि उसकी एक तो रीसेल वैल्यू, रीसेल आपको अच्छी मिलेगी, डीजल मोटर की डीजल बहुत ज्यादा अच्छी है, सेकंड उसकी माइलेज। अब उस गाड़ी से मेरे पे भी क्रेटा ऑन करता हूँ, मेरे फ्रेंड पे भी ऑटोमेटिक क्रेटा है, तो इजीली अगर आप लाइट फुट ड्राइविंग करेंगे सिटी में 15-16 की एवरेज देखने को मिलेगी, पर वेयर है जब आप इसमें लाइट फुट ड्राइव करेंगे मैक्सिमम आपको 10-11 की मिलेगी, एंड हैवी ट्रैफिक में 5-6 की मैंने देखी है ड्राइव करते हुए। तो फिर आप माइलेज आपके लिए कंसर्न नहीं था? भैया मेरी जो डेली की रनिंग है ना वो है अप्रोक्सीमेटली आपकी 10-12 किलोमीटर। अच्छा। अगर इसकी मान लो 10 की भी एवरेज आ रही थी मेरी सिटी पे तो मेरे लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, और सबसे बड़ा इशू मेरे लिए था क्योंकि मेरी रनिंग कम है तो मेरे को कार की एज ज्यादा चाहिए थी। बेसिकली अगर आप दिल्ली में रूल है जो NCR में जो पेट्रोल कार्स है उनका 15 साल, डीजल कार 10 साल बाद बैन हो जाएंगी। तो फिर आपने इसका नेचुरली एस्पिरेटेड वाला वेट नहीं देखा? भैया मेरे को ना काफी ज्यादा ड्राइविंग पसंद है और कार एंथुजियास्ट हूँ मैं, तो मेरे को इस वजह से ड्राइविंग प्लेजर चाहिए ही चाहिए था, तो मेरे को 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड तो बिल्कुल नहीं लेना था। ओनली चॉइस वॉज कि या तो ये 1.4 टर्बो या फिर आपका 1.5 लीटर डीजल दैट्स इट। तो जब आपने इस कार को ले लिया जी, तो अब जैसे आपने इसको कितने किलोमीटर ड्राइव कर लिया? मैंने भैया इसको अप्रोक्सीमेटली 28,000 कुछ चलाया। 28,000 आपने चला कि आप कह रहे हो आपकी 10-15 की रनिंग है हिसाब से तो बहुत ज्यादा। पहले मेरी ना बीच में काम की वजह से हाईवे रन ज्यादा होते थे इस वजह से, और मेरा पंजाब से आना जाना काफी था, इस वजह से मेरे को उस टाइम पे रनिंग थी बट अब नहीं। तो हाईवे पे क्या माइलेज दे देती है अप्रोक्सीमेट? या मैंने ऐसे तो हाईवे पे यहाँ से नोएडा अप्रोक्सीमेटली कितना 40 किलोमीटर होगा। हाँ जी, बट उस 40 किलोमीटर में मैंने 22 की एवरेज निकाली है। तो अब जैसे आपने 22 की एवरेज भी निकाल लिया, हाँ डेफिनेटली अगर आपको और को लाइट फुट ड्राइव करेंगे आप वो माइलेज भी अच्छी दे देगी। अब इसी से मेरा एक सेकंड सवाल आप लोग के लिए आता है कि इसकी मेंटेनेंस क्या देखने को मिलती है? भैया मेंटेनेंस अगर आप रेगुलर सर्विस कराते हो जो मैंने कराई थी, तो उसमें कुछ ऐसा है नहीं कि मेजर टर्बो पेट्रोल के लिए कुछ स्पेशल है, बट मेरे जो आपकी बारी सर्विस कॉस्ट आया था दैट वॉज अराउंड 4,000 रुपीज, जिसमें मेरी नॉर्मल बेसिक सर्विस हुई थी जिसमें सारे ऑयल्स वगैरह चेंज हुए थे। 20,000 वाली जो सर्विस थी? हाँ नहीं, 30,000 वाली मैंने पहले करा ली। अच्छा, पहले करा ली? पहले, क्योंकि मेरी रनिंग नहीं है वो चली 27 थी, इस वजह से मैंने पहले करा ली। ईयरवाइज ड्यू होगी? ईयरवाइज ड्यू होगी एग्जैक्टली। तो 4,000 आपका कॉस्ट? 4,000 था, जिसमें आपका इंजन ऑयल था और एयर फिल्टर था, एसी फिल्टर था, मतलब बेसिक सर्विस। तो सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा लगा आपको? भैया किया था ना, सर्विस एक्सपीरियंस काफी बढ़िया है, बट ये है कि थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेते हैं। टाइम ज्यादा लेते क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत है, और किया का ना एक डिसएडवांटेज ये है कि जैसे आप क्रेटा लोगे
सर्विस सेंटर्स कम है, कम है ह्यूंडई की कम और रिमोट एरिया में अभी तो हमें एनसीआर में रहते हैं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब गांव और रिमोट एरियाज में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। पर किया ने एक बात अच्छी करी है, जो इसकी कनेक्टिविटी है वो हुंडई के साथ भी इन्होंने दी है, अगर आपको किया का सर्विस सेंटर नहीं मिलता आप हुंडई में भी इसे दिखा सकते हैं। जैसे एनसीआर में तो वो नहीं करते, एनसीआर में नहीं करते, जैसे लद्दाख है वहां पे मैंने देखा था एक दो लोग किया को हुंडई के शोरूम सर्विस सेंटर में ले गए थे, उनकी किया में कोई प्रॉब्लम आई थी। तो अब आपने जैसे कार को 1.5 से 2 साल आपने अप्रोक्सीमेटली रख लिया, तो अब आपको कार में आप क्या सेटिस्फाइड लगते हो 28,000 किलोमीटर चलाने के बाद, या फिर गलती लगती है अपने डिसीजन में? मैं तो काफी सेटिस्फाइड लगता हूँ, रीजन इस प्राइस रेंज में कोई भी गाड़ी, जैसे मेरा जो पर्पस था कि मेरे को ड्राइविंग प्लेजर चाहिए, मेरे को परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, उसमें ये गाड़ी किसी भी गाड़ी से कम नहीं है। आज जो वर्टस आई है सिर्फ वो इसको बीट कर पाती है, अगर आप स्टॉक गाड़ी की बात करो, स्टॉक गाड़ी की। हाँ जी, तो अब आपने कार को जैसे आप बता रहे हो आपने रीमैप कराया जी, तो रीमैप के बारे में कुछ ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन बता दो। भैया रीमैप कराना मेरे हिसाब से बेनिफिशियल है, बट सिर्फ उनके लिए जिनको परफॉर्मेंस चाहिए अपनी कार से, जिनको परफॉर्मेंस में गेन लाना है, नॉर्मल लेमैन के लिए जरूरत नहीं है। और कॉस्ट किस अराउंड आ जाती है? कॉस्ट आपका ना कार टू कार डिपेंड करता है, वेंडर से आप पूछ सकते हो, हर इंजन की स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अलग है। तो मेरे मतलब अगर किया वगैरह की बात करोगे तो अराउंड 20-25,000 से स्टार्ट हो जाता है। हाँ स्टार्ट हो जाता है। हाँ। तो ठीक है भाई, पर अब आपने जैसे कार को 28,000 किलोमीटर ड्राइव कर लिया है, तो आपने मोस्टली सोलली ड्राइव करा है कार जी को। जी जी सिंगल। तो अब जैसे बंदे को ना कुछ ही नेगेटिव एंड पॉजिटिव स्टार्टिंग में तो नहीं लगते, पर जैसे जैसे गाड़ी के साथ डेवलप होता है तब लगने शुरू हो जाता है, पता चल जाता है। तो अब आपके क्या नेगेटिव्स लगते हैं, क्या पॉजिटिव? पहले पॉजिटिव बताओ गाड़ी। पहले पॉजिटिव अगर हम बताएं तो भैया इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है कार की, हैंडलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि सस्पेंशन इसकी थोड़ी ऑन द स्टिफर साइड है, तो वो काफी एक वो नेगेटिव भी है कि सस्पेंशन स्टिफ है पर हैंडलिंग अच्छी है। टर्बो पेट्रोल में मेरे हिसाब से अच्छा मूव है, पर जो नॉर्मल डीजल एंड नेचुरली एस्पिरेटेड है उनमें सॉफ्ट सस्पेंशन होने चाहिए, क्योंकि टर्बो में नीड है, क्योंकि आपको एंथुजियास्ट ड्राइव करनी है। पर नॉर्मल कार में थोड़ा सॉफ्ट होता तो पीछे कंफर्टेबल रहता, हाँ स्लो सिटी स्पीड पे भी कंफर्टेबल रहता, बट इसमें क्या है झटके ज्यादा लगता है। अब जैसे मैं करेटा ऑन करता हूँ मुझे थोड़ी थोड़ी रैटल नॉइस आती है जब गड्ढे में जाती है पार्सल ट्रे की एंड ऑल की। हाँ, आपको हाँ। भी ये चीज फील हुई है? मेरी पार्सल ट्रे में से नहीं आती, मेरी जो आवाज आती है वो होती है आपकी डोर पैनल से हल्की हल्की। अच्छा हाँ, तो ये आपका एक नेगेटिव हो गया। पर अगर हम पॉजिटिव देखते हैं और तो इस गाड़ी में ना फीचर बहुत है, फीचर रिच तो बहुत है, कोई मतलब आज भी जो गाड़ी आ रही है ना उससे ज्यादा फीचर दे रही है। जैसे 360 डिग्री कैमरा अभी इतना कॉमन नहीं आया, पर अगर जैसे मान पर क्लैरिटी देना, कैमरा सब दे रहे हैं पर ये क्वालिटी कैमरा दे रहे हैं बहुत ज्यादा अच्छी है क्वालिटी, डेफिनेटली में भी आपका 360 है, बट इसका 360 और उसका कंपेयर करोगे ना बहुत फर्क है। तो फिर अब फाइनल वर्डिक्ट की तरफ चलते हुए वीडियो के, अगर आज की डेट में आपका वही बजट हो 20 लाख का, आप कौन सी कार पे जाओगे? भैया अगर आज मेरा 20 लाख का बजट होगा तो इधर मैं स्कॉर्पियो की तरफ जाऊंगा, क्योंकि वो इससे ज्यादा बड़ी एसयूवी है, तो और उसको मैं अगर पेट्रोल लूंगा तो फिर से रीमैप करा लूंगा, तो मेरा पिक स्कॉर्पियो है। तो आपका पिक स्कॉर्पियो है, पर भाई बिल्कुल ही अगेंस्ट हो जाएगा, अभी आप एंथुजियास्ट ड्राइविंग के लिए कार चला रहे हो, तब आप बिल्कुल ही एक उसको ओल्ड स्कूल मतलब आप उसको फास्ट ड्राइव नहीं कर सकते। डेफिनेटली अच्छा व्हीकल है, मैंने ड्राइव करा है, पर एक लिमिटेशन है, जैसे आप इसको 160 तक भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, उसमें एक थोड़ी सी आपको लिमिटेशन देखने को मिलेगी। स्कॉर्पियो पेट्रोल ड्राइव पेट्रोल वाली ड्राइव करी थी, टेस्ट ड्राइव व्हीकल जब आया था तो उसकी भी स्टेबिलिटी मेरे को सही लगी थी। नहीं पर जब एडवांस फीट होगी, क्योंकि व्हीकल लैडर ऑन फ्रेम एंड हाइट बहुत ज्यादा है, हाँ, तो उस वो बॉडी रोल वगैरह से ज्यादा है, बट हाँ उसका और इसमें साइज में बहुत फर्क है, उससे बहुत ज्यादा स्टांस का फर्क है, स्टांस का फर्क है, वो बेसिकली आपको फॉर्च्यूनर वाली फील दे रही है आधे पैसों में, डेफिनेटली। तो भाई यही था अतिशय भाई का एक छोटा सा रिव्यू, आप चाहे तो इनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जाके इनका चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और आपको क्या राय है आपकी इस किया सेल्टोस जीटी लाइन के बारे में, तो कमेंट में जरूर बताना। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए, तो फटाफट लाइक कर दो। इसके साथ वीडियो को हम यही एंड करते हैं, एज ऑलवेज एंड सबका साथ होगा, टाटा बाय।